Do you think a college degree is useless? कॉलेज डिग्री टू बीजेपी की पॉजिटिव बातों पे क्यों नहीं बोलता? हेट से शुरू करते हैं। फाइनली एक ऐसा वीडियो दोस्तों जिसका आप लोग सदियों से इंतजार कर रहे हो। बहुत टाइम हो गया कि एक प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ हो यहाँ पर। तो आइए आज के वीडियो में यही करते हैं। 6 मिलियन सब्सक्राइबर के ओकेजन पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डालकर आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों के जो टॉप क्वेश्चंस थे उन्हें मैं आज के वीडियो में आंसर करूंगा। यहाँ पर यूली है जो मुझसे सवाल पूछेगी और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट विद द टू मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस दैट हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ लाइक्स। हाउ मेनी पीपल डू यू हैव इन योर टीम? ऑन एन एवरेज व्हाट आर द नंबर ऑफ मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल वीडियो? कितने लोग टीम में हैं? अब आज के दिन दोस्तों मैं कहूँगा 3 रिसर्चर हैं। 3 ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम कभी कभी मदद कर देते हैं रिसर्च करते वक्त। 6 एडिटर्स हैं जिनमें से 4 मेन चैनल के वीडियो एडिटर्स हो गए, 2 ब्लॉग चैनल के एडिटर्स हो गए और 2 लोग सबटाइटल्स लिखने के लिए। तो ये पूरी टीम है जो कि आज के दिन है और ये काफ़ी नई चीज़ है। 2020 की शुरू तक सारी चीज़ें मैं खुद किया करता था, रिसर्च करना, स्क्रिप्टिंग, वीडियो बनाना, उसके बाद एडिट करना, ये सब चीज़ें खुद होती थी। तो आपने देखा होगा कि जब से ये चेंज आया है, जब से और लोग टीम में आए हैं, कि वीडियोस की प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो गई होगी। कंपेयर कर लेना जो वीडियोस मेरे 2020 के शुरू में बनाए थे उससे पहले बनाए थे और आज के दिन जो वीडियोस बनते हैं। गलतियां भी काफ़ी कम हो गई हैं क्योंकि जब मैं अकेले ये सब काम करता था गलती होने की ज़्यादा गुंजाइश होती थी क्योंकि कोई फैक्ट चेक करने वाला नहीं था, डबल क्रॉस चेक करने वाला नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। तो यही है टीम। और द सेकेंड क्वेश्चन वॉज ऑन एवरेज व्हाट आर द नंबर ऑफ मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल वीडियो? तो ये डिपेंड करता है वीडियो टू वीडियो, कौन सा वीडियो है यहाँ पर, कितना लंबा वीडियो है, कितनी इंटेंस रिसर्च की जरूरत है। लेकिन एक अंदाजे के तौर पे बताऊँ तो मैं कहूँगा 5 से 6 घंटे रिसर्च में लगते हैं, 3 से 4 घंटे वीडियो को शूट करने में लगते हैं और वीडियो की शूटिंग से पहले प्रिपेयर करने में लगते हैं, और 10 से 12 घंटे एडिटिंग में लगते हैं और 2-3 घंटे शायद सबटाइटल लिखने में लगते हैं। ये है पूरा पैकेज एक वीडियो का जो आप देखते हो। और हाँ, दो घंटे उसमें भी लग जाते हैं थंबनेल बनाने में और अपलोड करने में। ये काम अभी भी मैं खुद करता हूँ क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जो इतना वो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स हो जो मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो मेरे लिए थंबनेल बना सके। तो अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा है, इंटरेस्टेड है अप्लाई करने में थंबनेल के लिए या वीडियो एडिटर के तौर पे भी, क्योंकि मैं वीडियो एडिटर्स भी ढूंढते रह रहा हूँ, अभी भी और भी ज़रूरत है मुझे लगता है, तो आप इस ईमेल आईडी पर लिखकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये ध्यान रख लेना जैसे वीडियोस आप देख रहे हैं उसी क्वालिटी के वीडियोस प्रोड्यूस होने चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स एंड नेकी एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल वांट टू नो हाउ यू एंड यूली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन फॉर मोर लाइक व्लॉग चैनल। पर हम पहले 2014 में मिले थे, 2014 में, लेकिन ये पूरी कहानी कभी ब्लॉग चैनल में किसी वीडियो में बताएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू चूज टॉपिक्स फॉर योर वीडियोस? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं कहूँगा 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और दुनिया के लिए क्या अच्छा है, सोसाइटी के लिए इन जनरल क्या अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए क्या अच्छा है और धरती के लिए, प्लैनेट के लिए क्या अच्छा होता है, इन कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। और पर्सनल प्रेफरेंस की अगर बात करी जाए तो मैं कहूँगा कि मैं वो टॉपिक्स प्रेफर करता हूँ वीडियो के लिए जिनमें कुछ डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मुझे ब्रेक डाउन करना बहुत पसंद है, सिंपल तरीके से समझाना बहुत पसंद है। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है न्यूज़ में जिसमें कुछ ज़्यादा समझाने को नहीं है तो उन टॉपिक्स को मैं जनरली इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि जैसे कि मैं कभी भी क्राइम की न्यूज़ को अवॉइड करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई बहुत ही गोरी सा मर्डर हुआ है या रेप हुआ है उस पर वीडियो बनाना। और दूसरा, फॉर एग्जांपल, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे जो वीडियोस हैं मेरे वो हर एक इंडियन के लिए रेलेवेंट हो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसे इशू की बात कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, एक स्मॉल सेक्शन ऑफ लोगों को इंटरेस्ट है सिर्फ। तो ऐसी कई गाइडलाइंस हैं और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि मैं कैसे टॉपिक्स को चूज करता हूँ। Who used to be the first critic of your early videos? My parents, obviously. When did you think of hiring other people to work for this channel? मैं कहूँगा 2019 में कभी मैंने सोचा था। Are Yuli studies getting affected by traveling? I know the answer is a big no, but I really want to know how Yuli is managing both her social media career and her studies.
ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो यूली खुद ही आंसर कर सकती है. मे बी यू कैन आंसर दिस वन. द आंसर इज एब्सोल्युटली दे डू गेट अफेक्टेड बाय ट्रैवलिंग. Last year it was easier for me because I had a lot of things online because of the pandemic. So I had some online courses I could do while traveling, and then I had to be in the hospital for a few weeks at a time. But right now I actually took one semester off, so I can focus on writing my thesis and I can travel and work for DW and the vlog channel. And yeah, both is not really possible. I'm not a superhuman either. It's so basically answer hai yes. Yes. How you manage to travel, vlogging, research for video, shooting, editing, etc. and maintaining consistency. तो कंसिस्टेंसी में मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता हो पाती है वो. एक बारी मैंने 5 दिन में 5 मेन चैनल वीडियोस रिलीज किए थे. उसके बाद मुझे लग रहा था कि उसके बाद ये चीज़ मैनेज करनी तो बहुत मुश्किल हो रही है. सेम चीज़ व्लॉग्स के साथ भी ट्राई करी थी जब हम अफ्रीका गए थे शुरू में, कि हर ऑल्टरनेट डे पर एक व्लॉग आ रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल था उसे कंसिस्टेंटली मेंटेन करना. तो ईजी नहीं है दो चैनल्स को मेंटेन करना और साथ में ट्रैवलिंग भी करना मैनेज. लेकिन कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ, जैसे कि एक टू डू लिस्ट बनाना. हर सुबह उठ के पता हो कि आज के दिन ये करना है, तो उस टू डू लिस्ट को देखकर हमेशा करते रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठ के हमेशा फ़ोन से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है. और ट्रैवलिंग करते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए. पहला हाफ जिसमें मेन चैनल पे डेडिकेटेड हो, जिसमें मैं होटल के रूम के अंदर बैठकर वीडियोस को प्रोड्यूस करूंगा, रिसर्च करूंगा, और सेकंड हाफ में हम बाहर जाते हैं जनरली घूमने. तो जो भी आप ट्रैवलिंग्स देखते हो, जो ब्लॉगिंग चैनल पे देख रहे होते हो, वो इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि हर दिन उनमें से करीब करीब हर दिन आधा दिन मेन चैनल पे डेडिकेट किया जाता है. ऑफ कोर्स अब टीम है, टीम की मदद से काम और एफिशिएंटली हो जाता है, लेकिन वीडियोस को आज के दिन भी शूट करने में और प्रिपरेशन करने में शूट की तो 3-4 घंटे लग ही जाते हैं. लेकिन ऑब्वियसली मैं टाइम टू टाइम कोशिश करता रहता हूँ कि नई स्ट्रैटेजी सीख पाऊँ, टाइम मैनेजमेंट की, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा पाऊँ, एफिशिएंसी बढ़ा पाऊँ. कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू गेट टू मैनेज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क इन अ डे? बिल्कुल अक्षय कुमार जैसा क्वेश्चन पूछा है आपने आयुष, कि मैं कितने घंटे काम करता हूँ, कैसे मैं मैनेज कर लेता हूँ, कहाँ से आती है इतनी ताकत. नहीं, लेकिन सीरियसली मेरे लिए वर्क और पर्सनल लाइफ को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा करने की. मैं कहूँगा दिन में अराउंड 7 to 8 hours काम करता हूँ. ये स्प्लिट ओवर रहता है दिन के अलग अलग टाइम पर, और मैं इससे ज़्यादा बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, अगर आप इससे ज़्यादा काम करते हो तो एफिशिएंसी लूज़ हो जाती है. मैंने कई लोगों को सुना है कहते हुए कि वो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं दिन में, लेकिन मुझे वो रियलिस्टिक नहीं लगता. या तो वो लोग मेरी राय में झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो लोग थोड़े स्टूपिड है, क्योंकि कोई 14 घंटे काम करेगा सही में, एक्चुअल फोकस्ड काम करेगा, तो एफिशिएंसी तो लूज़ हो ही जाएगी. उसमें अपने आप उतना फोकस मेंटेन नहीं हो पाता. तो अगर हाई एफिशिएंसी पे काम करना है, मेरी राय में 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए दिन में. When or how did you record these many videos while being on that wildlife trip? It is simply exceptional doing that both. तो ये वही चीज़ें जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी कि कैसे मैंने टाइम को मैनेज किया है, लेकिन लिटरली कैसे मैं फिल्म करता हूँ, आपने व्लॉग्स में शायद नोटिस किया हो, जहाँ पर भी जगह मिले मैं ग्रीन स्क्रीन सेटअप कर लेता हूँ, वहाँ पर अपना ये कैमरे का स्टैंड लगा लेता हूँ और शूट करने लग जाता हूँ, और दिन का आधा दिन डेडिकेट करता हूँ. How do you handle hate and toxicity of so-called roasters? I mean, you do not deserve hate, but still, how do you handle it? मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब कंटेंट बनाते हो आप, तो हमेशा उन लोगों पर फोकस करना चाहिए जिनको आपका कंटेंट देखना पसंद है, ना कि उन लोगों पर जो आपको हेट करते हैं. उन पर फोकस करके क्या मिलेगा मुझे? मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो मेरा फोकस उसी पर रहता है. तो बेसिकली इसका सिंपल आंसर हुआ कि इग्नोर करो उन लोगों को जो हेट कर रहे हैं और रोस्ट कर रहे हैं. लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें भी इग्नोर करो, क्योंकि अक्सर क्रिटिसिज्म जो होता है वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है. तो जहाँ पर एक्चुअल जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, जिन चीज़ों को लेकर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, उन्हें ऑब्वियसली मैं सुनता हूँ और उससे इम्प्रूव करता हूँ. लेकिन जो फालतू की गालियाँ देना है, बिना कॉन्टेक्स्ट के गालियाँ देना है, उनको सुनकर क्या फ़ायदा? उन्हें ब्लॉक करो, इग्नोर करो. और मैं ये सो कॉल्ड रोस्टर्स के लिए ज़रूर कहूँगा कि मुझे काफ़ी तरस आता है उन पर और उनकी फैमिलीज पर, कि किस तरह का काम वो कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए. ये बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट लेवल का काम जो होता है ना, कि किसी को पकड़ के गालियाँ देनी शुरू कर दी और यहीं से ही आपका इनकम आ रहा है, ये बहुत ही
डिसग्रेसफुल है। बचपन में याद है हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि कम से कम 12th क्लास तो कंप्लीट कर ले, उसके बाद सोच लियो क्या करना है, एक बेसिक लेवल होना चाहिए एजुकेशन का। इन लोगों के लिए यही चीज एप्लीकेबल है, क्योंकि पता है ना आज के दिन जब मैं इन लोगों की वीडियोस देखता हूं, मैं इनके लिए और इनके सपोर्टर्स के बिहाफ पे काफी एम्बैरेस्ड फील करता हूं, क्योंकि इनके सो कॉल्ड रोस्ट में ये जाकर जो रिसर्च्ड पेपर्स हैं और सर्वेस किए गए हैं उन्हें डिसक्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, उनका रोस्ट करके या मजाक उड़ा के। फॉर एग्जाम्पल वो लव जिहाद वाला जो था, तो उसका काउंटर ये करते हैं कहकर कि भाई 30,000 लोगों का सर्वे है, क्या है सर्वे है ये, मैंने पर्सनली देखा है लव जिहाद होते हुए, सर्वे क्या हमें बताएगा, 130 करोड़ लोग यहां पर रहते हैं, 30,000 लोग कैसे सर्वे बता पाएगा। तो बताना जरा, मैं आप खुद ही बताओ इसका क्या मैं रिस्पॉन्स दूं, क्या मैं यहां पर अपने वीडियो में इन्हें क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर पढ़ाने बैठ जाऊं कि स्टैटिस्टिक्स ये होती है, स्टैटिफाइड सैम्पलिंग इस चीज को कहते हैं, ये अलग अलग तरीके के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, जो ये रिसर्च पेपर्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं उसके क्या मायने होते हैं, ये चीजें तो बेसिक से पढ़नी पड़ेंगी इन्हें। समझ रहे हो ना, लेकिन क्या करें, अब कोई बेसिक लेवल एजुकेशन का नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है आपके पास, कोई टैलेंट नहीं है, तो यही चीजें करने पर कुछ यूट्यूबर्स मजबूर हो जाते हैं, तो काफी सॉरी फील होता है मुझे इनके लिए। हाउ डिड यू एक्वायर द स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग? क्वेश्चन, मैं कहूंगा सवाल पूछना, क्रिटिकल थिंकिंग का बेसिस है हर चीज को लेकर सवाल पूछो, हर किसी से सवाल पूछो, अपने आप से सवाल पूछो, अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करो अपने आसपास और देखो कि वो चीजें ऐसी क्यों हैं। वो एक गाना था ना मूवी में, कौन सी रॉकस्टार मूवी में गाना था कि आसमां क्यों है नीला नीला, पानी क्यों है गीला, गोल क्यों है जमीन। ये गाना काफी, इस गाने में एक बड़ी अंडरलाइंग मैसेज है कि हर चीज से सवाल करो, सोचो जरा आसमान क्यों नीला होता है, पानी क्यों गीला होता है और क्यों गोल होती है जमीन। ये सवाल आपको शायद थोड़े से चाइल्डिश लगे, लेकिन एक बच्चे में ना अक्सर ज्यादा क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन होती है एक एडल्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम लोगों को मजबूर करता है रट्टा मारने में, और जो बड़े लोग कहने लग रहे हैं उनकी, उनको आंख बंद करके सुनो, कान बंद करके सुनो, हमेशा एल्डर्स की सुनो, हमेशा बॉस को फॉलो करो, तो ये जो क्यूरियोसिटी है और इमेजिनेशन है ये हम लूज आउट कर जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो ये क्यूरियोसिटी वापस आनी काफी जरूरी है, और जब इस एंगल से चीजों को देखना शुरू करोगे तब अपने आप ही क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपकी बेटर होंगी। What would be the one life lesson or teaching you learned during this YouTube journey? One life lesson, बड़ा ही डीप सवाल पूछा है। एक तो मैं ये कहूंगा कि जिंदगी को लोग इतना सीरियसली लेते हैं, इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। बचपन में जो भी पेरेंट्स कहते थे, बड़े लोग कहते थे कि जिंदगी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, बहुत सीरियसली लेते थे चीज़ों को, उतना सीरियसली लेने वाली चीज़ें हैं नहीं। मतलब गलत मत समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को बिल्कुल ही लाइट हार्टेड तरीके से ले लो, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जिंदगी को, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ओवर सीरियसली लेते हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं वो बेमतलब। और अगर मैं YouTube जर्नी की बात करूं तो मैं कहूंगा एक चीज़, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीखा हूं ओवर टाइम, लेकिन एक फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बताऊं तो कि कभी भी हर किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करो। हर ये मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, कोई ना कोई लोग तो ज़रूर होंगे जो नाराज़ हो जाए उस वीडियो से, ऐसा नहीं होगा कि 100% लोगों को वो वीडियो हमेशा पसंद आ रहा है। एक ये डोंकी वाली कहानी है जो मैंने शायद पिछले किसी वीडियो में बताई भी थी, इस कॉमिक स्ट्रिप को देख लेना ज़रा, इसमें दिख जाएगा कि क्यों बेकार है हर वक्त हर किसी को प्लीज करना। Pikachu Targaryen asks, do you think a college degree is useless? हाँ, कॉलेज डिग्री मैं कहूँगा डिपेंड करता है, अगर आप एक्चुअली में कॉलेज डिग्री होना हमेशा एक बैकअप के तौर पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, अगर आप जो भी जॉब करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे किसी तरीके से या फेल हो जाते हैं, तो एज अ बैकअप काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है वो हमेशा, लेकिन आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। मैं कहूँगा अगर आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं तो शायद आपके लिए कॉलेज डिग्री इतने मायने ना रखें। द नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड 4 टाइम्स। व्यूट्यूबर आस्क्स, टू बीजेपी की पॉजिटिव बातों पे क्यों नहीं बोलता?
भाई बोलता हूँ, आपने सारे वीडियोस नहीं देखे होंगे शायद मेरे, लेकिन जब भी मुझे लगता है बीजेपी ने कोई अच्छा काम किया, मैंने हमेशा मुझे लगता है तारीफ करी है उनकी। यकीन नहीं होता, मैं पुरानी वो कंपाइलेशन मैंने बनाई थी एक वीडियो के लिए, फिर से डाल देता हूँ यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हर एक बच्चे को एनसेफेलाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर दिया गया है और ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि यूनिसेफ ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है यूपी गवर्नमेंट को यहाँ पे। यानी मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को हटाने से ज्यादा डेवलपमेंट होगा कश्मीर में। कांग्रेस की सरकार के अंदर इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हुआ करते थे, मोदी सरकार ने दोस्तों उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करी है इस एस्पेक्ट में। ये हमारी सरकार जो नई एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आई है, इन्होंने अपनी नई पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया है और ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो कांग्रेस को मिलते हैं 1.9 आउट ऑफ 5 मार्क्स इनकी 10 साल की परफॉर्मेंस के लिए। मोदी एक बेटर पीएम मटेरियल है एज कंपेयर टू राहुल गांधी। एज यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, व्हिच थिंग डू यू हेट अबाउट इंडिया एंड व्हिच थिंग डू यू लव अबाउट इंडिया कंपैरेटिवली? हेट से शुरू करते हैं। वैसे सवाल अच्छा पूछा है, अब जो भी मैं जवाब दूंगा यहाँ पर जो ट्रोल्स हैं वो इस क्लिप को बाहर निकाल के देख देंगे, दिखाएंगे देखो ध्रुव कितना एंटी इंडिया है। हाँ लेकिन कोई नहीं, इसी सवाल से शुरू करते हैं। मैं कहूँगा मुझे इंडिया में जो क्लिनलीनेस है वो सबसे बेकार लगती है। लोग काफ़ी गंदे तरीके से अपनी सराउंडिंग्स को ट्रीट करते हैं और शोर शराबा बहुत है इंडिया में। फालतू में लोग सड़कों पर जाकर हॉर्न बजाते हैं, ये मैंने अफ्रीका जैसी कंट्रीज में भी नहीं देखा ये होते हुए। ये तो इस मामले में इंडिया काफ़ी यूनिक कंट्री है, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद इंडिया के बारे में। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि इंडिया में जो शहर हैं, ज़्यादातर शहरों में अच्छे फुटपाथ नहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पर चलने की ज़्यादा जगह नहीं है, तो ज़्यादातर इंडियन सिटीज़ वॉकेबल नहीं है, जो कि बाकी और कंट्रीज में जैसे यूरोपियन देशों में ज़्यादातर शहरों में आप आसानी से वॉक अराउंड कर सकते हो, लेकिन इंडिया जैसे इंडिया के ज़्यादातर शहरों में आपको गाड़ी की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद। और क्या पसंद है इंडिया के बारे में, मैं कहूँगा बॉलीवुड फिल्में मुझे बहुत पसंद है देखनी। इंडिया की जो फिल्म्स हैं वो काफ़ी यूनिक लगती हैं, उनके गाने। इसके अलावा खाना जो है इंडिया का काफ़ी यूनिक है, डाइवर्स है, इस तरह का वेजिटेरियन खाना शायद ही कहीं और दुनिया में मिलता है। और इसके अलावा मैं कहूँगा जो डाइवर्सिटी कल्चर्स की हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है वो भी बहुत ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है। जितने अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग देश में रहते हैं, जितने अलग अलग कल्चर्स इंडिया में प्रैक्टिस करे जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे देश के बारे में। और साथ ही साथ जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्किटेक्चर हैं, इन्हीं कल्चर से जो अराइज करते हैं। राचना सेज, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू यूजुअली ईट? जंक फूड लाइक फ्राइज और पिज्जा, इंडियन फूड, इटालियन, चाइनीज, और हेल्थी फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? पीएस, I think you should make a video of you on a lie detector while doing a Q&A. पहली चीज, lie detector फिल्मों में ही काम करते हैं, मुझे नहीं लगता real life में वो इतने effective हैं, क्योंकि उन्हें fool करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन खाना किस टाइप का खाना पसंद है, हम prefer करते हैं कि हमेशा healthy खाना खाया जाए। और अब healthy क्या है, unhealthy क्या है, इसे judge कैसे करें, इसको लेकर काफ़ी controversy चलती है पूरे social media पर और लोगों में। लेकिन मेरी कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स हैं हेल्दी खाने के बारे में जो मैं फॉलो करता हूँ। एक है कि कभी भी डीप फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, वो प्रॉपर अनहेल्दी खाना होता है, प्रूवन है, और सही में काफ़ी हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। ऑयली खाना अवॉइड करना चाहिए, और कोई भी खाना जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी डली हो या बहुत ज़्यादा नमक डला हो, जैसे कि इंडियन स्वीट्स जो हैं वो मैं काफ़ी हद तक अवॉइड करता हूँ खाना। और इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि जिस चीज़ में काफ़ी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, डाइवर्सिटी और वेराइटी हो खाने में, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैं कुछ खाना खा रहा हूँ जिसमें कोई स्पेसिफिक ग्रेन डला है या कोई स्पेसिफिक फ्रूट एंड वेजिटेबल डला है, तो कोशिश करता हूँ एक हफ्ते में काफ़ी वैरायटी का खाना खाया जा सके, एक चीज़ को ज़्यादा बार ना खाया जाए। बस ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें फॉलो किया जाए तो मुझे लगता है आपकी डाइट काफ़ी हेल्दी रहेगी। क्यूजीन पर फ़र्क नहीं पड़ता, पिज्ज़ा भी हेल्दी हो सकता है, बर्गर भी हेल्दी हो सकता है, अगर सही इंग्रेडिएंट्स और सही तरीके से बनाया गया तो। ऑलमोस्ट गॉड गेमिंग सेज, Tell your full educational journey from schooling to college to higher studies. फिर से यही सवाल। चलो इस बार ये पूरा रिवील कर देता हूँ। क्लास 10th में मेरे आए थे 9.2। 9.2 उस वक्त मेरी CBSE में था मैं, उस वक्त के लिए कुछ ऐसा रूल लाया गया था कि परसेंटेज हटाकर ये वाला सिस्टम ला दे, सिर्फ मेरे बैच के लिए था ये शायद, और बाद में इन्होंने हटा भी दिया था। क्लास 12th में मेरे आए थे 85%, CBSE से ही करी थी वो।
बैचलर्स मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी KIT से, इस पर भी मैंने एक व्लॉग बनाया था यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हुए, उसमें मेरे आए थे 2.7 के आसपास आउट ऑफ 5.0। तो जर्मनी का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कुछ ऐसे होता है कि 1.0 बेस्ट ग्रेड होता है, 5.0 वर्स्ट ग्रेड होता है, तो मेरा आया था 2.7, बीच में से ही कहीं था, तो 70-80% कह लो। एक्चुअली मैं कहूँगा मेरी थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ और एजुकेशन लाइफ मैं कभी भी बेस्ट बनने के पीछे नहीं भागा हूँ, मैंने हमेशा कोशिश करी है कि बस जितना बेयर मिनिमम काम हो सके उतना कर लूँ कि पास हो जाऊँ, और ये 70-80% के अराउंड ही परफॉर्मेंस रहती है। इसके बाद मैंने फिर मास्टर्स करी थी रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में, जिसमें मेरा ओवरऑल ग्रेड 2.3-2.4 के आसपास था, और फिर मेरी जो दूसरी बैचलर्स थी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, उसमें भी ग्रेड यहीं तक था, लेकिन वो मैंने 80% कंप्लीट करके ड्रॉप आउट कर गया मैं उस सेकेंड बैचलर से, क्योंकि वो सेकेंड पढ़ाई बैचलर्स की मैंने इसलिए करी थी ताकि मैं रेलेवेंट नॉलेज गेन कर सकूं, मुझे डिग्री से कोई मतलब नहीं था इस पॉइंट पर आकर। तो 80% पढ़ाई में सारी क्लासेस मैंने कंप्लीट कर ली, और उस पॉइंट पर मैंने आके ड्रॉप आउट किया जब बैचलर थीसिस करने का टाइम आया और इंटर्नशिप करने का टाइम आया, मुझे लगा काफ़ी मेरे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा तो एक थीसिस लिखना और एक इंटर्नशिप करना, तो अब जो नॉलेज मुझे गेन करनी थी इस पढ़ाई से मैंने वो कर ली, इसलिए अब मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन जब तक मैं था तो तब तक जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने दिए थे उसमें ओवरऑल ग्रेड ये था। तो हाँ, ये है मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। हाउ यू मेमोराइज योर स्क्रिप्ट? मेमोराइज नहीं करता मैं, क्योंकि रट्टा मारने वाली बात हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ ऑफ अराउंड हाफ अ पेज ईच। तो एक ये सेक्शन है, उसे मैं, पहली चीज़ तो मेरी सारी स्क्रिप्ट्स इंग्लिश में लिखी होती हैं, तो इंग्लिश में जो लिखा है मैं उसे पढ़ूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, और इतने डीपली अंडरस्टैंड करूंगा कि फिर मैं उसे बिना देखे अपने शब्दों में समझाऊंगा हिंदी में। ये मेरी टेक्निक है वीडियोस बनाने की, कह सकते हो। मैं कभी भी वर्ड टू वर्ड उसे रीड आउट नहीं करता, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी, कई बारी मैं स्क्रिप्ट को टेलीप्रॉम्प्टर पे डाल देता हूँ ये करने के लिए, लेकिन जनरली देखा जाए जब भी कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज आती है तो मैं उसे पहले अंडरस्टैंड करता हूँ। Will you ever come to mainstream media reporting or work as an editor if given a chance? Or will you ever open your own mainstream news channel? तो आई थिंक टीवी न्यूज़ चैनल खोलने का तो कोई तुक नहीं बनता, मुझे नहीं लगता टीवी एक ऐसा मीडियम है जो सर्वाइव करेगा कुछ टाइम के बाद। आने वाले 10-20 सालों में लोग इंटरनेट को ही एज मेन सोर्स यूज़ करेंगे, लेकिन अगर किसी टीवी न्यूज़ चैनल ने मुझे जॉब ऑफर करी तो मैं इस सेंस में उसे नहीं लूँगा कि फुल टाइम मैं वही करने लग जाऊँ। ये हो सकता है कि कोई कोलैबोरेशन ऑफर कर रहा है, कोई शॉर्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई चीज़ ऑफर कर रहा है, तब मैं वो कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इंडिपेंडेंस को काफ़ी वैल्यू करता हूँ कि आज मैं जो कर रहा हूँ मैं वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई टीवी मीडिया में बैठा बॉस ऊपर से डिक्टेट करे कि मैं किस तरह से बोलूँगा, क्या बोलूँगा, किस कितना बोलूँगा, ये सब मैं खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ इन चीज़ों को। ये ज़रूर है अगर कोई मीडिया चैनल मुझे ऑफर करता है या मैं उन्हें रीच आउट करता हूँ कोई स्पेसिफिक कोलैबोरेशन के लिए, तब मैं उसे कर लूँगा, जैसा कि मैंने BBC के साथ किया था और NDTV के साथ किया था, स्पेसिफिक सीरीज करी थी उनके साथ, और अभी जैसे DW ट्रैवल के साथ भी मैं करने लग रहा हूँ एक स्पेशल सीरीज जो आप DW ट्रैवल चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि वो भी मुझे अपना इंडिपेंडेंस देते हैं, मुझे काफी पसंद आता है। As you have traveled a lot, which top 3 destinations would you recommend to travel once in a lifetime? Okay, तो ये डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या करना, क्या देखना चाह रहे हो ट्रैवल करते वक्त। मैं कहूँगा कि अगर आप बीच पे जाना चाहते हो ट्रैवल करते वक्त, तो मेरी राय में बेस्ट कंट्रीज उसके लिए होंगी मालदीव्स और ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल। अगर आप माउंटेन्स देखना चाहते हो तो बेस्ट कंट्रीज ट्रैवल डेस्टिनेशंस माउंटेन्स के लिए हैं स्विट्जरलैंड और नॉर्वे मेरी राय में। बेस्ट वाइल्ड लाइफ अगर आप देखना चाहते हो, नेचर में रहना चाहते हो, तो उसके लिए मैं कहूँगा कीनिया, रवांडा, पेरू, क्योंकि उसमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। बेस्ट हिस्ट्री आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट सिटीज़ है मेरी राय में वेनिस, डुब्रोवनिक और लिस्बन। और अगर आप सबसे यूनिक ट्रैवल डेस्टिनेशन जानना चाहते हो तो मेरी राय में ये होगी आइसलैंड, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का लैंडस्केप अवेलेबल है और जिस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर, वो शायद ही कहीं दुनिया में मिलेंगी। जैसे कि एक बीच है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का है, जिस पर डायमंड बीच है, जिस पर आइसबर्ग्स हैं जो बिल्कुल ग्लास की तरह लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर के सैंड पर डायमंड्स रखे गए हैं। कि मुझे लगता है काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी के लिए। सो लास्ट क्वेश्चन,
Last question is from Samir. Which country is the next target for vlogs? अगर सब सही चला तो next हमारा plan है टर्की, जॉर्डन एंड और इज़राइल जाने का. देखते हैं कैसा चलता है. और उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन आंसर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर पसंद आया तो बताओ कि जब भी हम नेक्स्ट मिलियन मार्क रीच करेंगे तब एक और क्वेश्चन आंसर सेशन करें या फिर इसे मंथली कर लेना चाहिए. आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ. और यहाँ पर थैंक्स टू माय वर्चुअल गूगल असिस्टेंट फॉर असिस्टिंग इन दिस क्वेश्चंस. यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम. चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. Good. And you didn't say like.